मैं अपने छोटे भाई राजपाल जी को एंड द प्रोड्यूसर भैया आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। मैं ये फिल्म अवश्य देखने वाला हूँ, मुझे एक इवेंट में जाना है। मैंने इनसे माफ़ी मांगी कि मैं पहले से कमिटेड था, लेकिन मैं गेट पे खड़ा होकर पूछा मेरा भाई राजपाल जी हैं? बोले हैं। मैंने कहा हमेशा रहेंगे और हमेशा सबका दिल जीतते रहेंगे। सो आई विश द एंटायर ग्रुप और इसकी ये परफॉर्मेंस आई बिलीव इज गोना बी एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। जितने भी अवार्ड्स हैं इस साल, ये सब हमारा ये छोटा चेतन लेके जाने वाला है। सर मैंने इनके 20 अंदाज देखे हैं, आप 2 अंदाज की बात कर रहे हो? इस फिल्म की बात भी है, ये तो कुछ नहीं है इनके लिए, इनका तो बहुत बड़ी जर्नी है सर। ये जो रोल है बहुत डिफिकल्ट रोल है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। और जो एक्टर होता है वो किसी भी इनहिबिशन को मानता नहीं है। इन्होंने लड़की का रोल किया है, लड़के का रोल किया है, डाकू का रोल किया है, हंसा हंसा के सब। मतलब एक जो पहले फिल्म राम जी की आई थी गोपाल जी की, मुझे सलमान खान ने बोला एक एक्टर ऐसा आया है, शक्ति विलनी क्या होती है उस एक्टर से सीखना, कद उसका हिटलर जितना है लेकिन काम जो उसने किया बड़े बड़ों को डरा देगा। और वही एक्टर ने सबको हंसाया है और आज वही आदमी अपनी परफॉर्मेंस से आपका सबका दिल जीतने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।